So, जब अपन लास्ट टाइम मिले थे तो अपन लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था कि अपन जो डेंगू के पेशेंट्स आते हैं उनको अपन प्रॉपर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन करें, अपन ये देखें कि वो डेंगू फीवर है, वो डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है। तो उसी की लगातार में, क्योंकि जो मैनेजमेंट है डेंगू पेशेंट्स का वो इसी चीज पे निर्भर करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो आपको मैं फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर अपने को कैसे डेंगू के केसेस को क्लासिफाई करते हैं वो अपने को करना है। तो मोटा मोटा जब भी कोई डेंगू का केस आता है तो अपने को ये देखना है कि उसके अंदर कोई बुखार के अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका बीपी तो कम नहीं हो रहा, उसकी पल्स प्रेशर तो कम नहीं हो रही है, उसकी प्लेटलेट्स 1 लाख से तो कम नहीं है, क्या उसके अंदर कैपिलरी लीक का कोई साइन एंड सिम्टम्स मौजूद है क्या। तो सबसे मेन कैपिलरी लीक वाला होता है जिसको अपन नहीं असेस करते हैं, वो ये होता है कि कैपिलरी लीक जब होगा तो उस पर्सन का जो ब्लड है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, उसकी जो हिमाटोक्रिट है वो बढ़ी हुई होगी, और जब अपन फ्लूड देंगे तो वो हिमाटोक्रिट क्लियरली कम होती हुई नजर आएगी अपने को। तो ये एक अपन देखते हैं कि कैपिलरी लीक का एक हिमाटोक्रिट से अपन उसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी को प्लूरल इफ्यूजन है या उसको असाइटिस हो गया तो वो भी क्लियर कट एक साइन है कि उसको कैपिलरी लीक हो रहा है। जब कैपिलरी लीक हो रही है, किसी की प्लेटलेट 1 लाख से कम है और अगर उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी है, अगर ऑब्वियसली कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं टट्टी के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है या उल्टी में ब्लीडिंग आ रही है या नाक से ब्लीडिंग हो रही है या उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बहुत अधिक हो रही है, तो वो सब ब्लीडिंग के वो रहते हैं, या खांसी में खून आ रहा है, तो ये सब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है। अगर किसी भी पर्सन का डेंगू का बुखार है, उसकी कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ी हुई है, एसाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, हिमाटोग्रेट ज्यादा है, हिमाटोग्रेट फ्लूड देने के बाद कम हो रही है, या उसकी उसकी प्लेटलेट अगर 1 लाख से कम है, तो ये एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर के साथ में उसका ब्लड प्रेशर भी कम है, उसको हाइपोटेंशन हो रहा है, उसका पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का अंतर वो 20 से भी कम है, तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में आ जाता है। तो अगर सिंपल डेंगू है तो अपने को कुछ उसमें फूड मैनेजमेंट नहीं करना है, अपने को कॉपियस अमाउंट ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो ORS होता है वो अपन उसको देते हैं, ताकि वो खूब मात्रा में पानी पिए और एडिक्वेट अमाउंट में यूरिन पास करता रहे। लेकिन जब डेंगू हेमरेजिक फीवर का पेशेंट अपने पास आ रहा है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो DHF 1 कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी में है। अगर वो 1 और 2 कैटेगरी में है तो अपन उसको 6 ml/kg पर आवर फॉर 2 आवर्स अपन उसका फ्लूड चलाते हैं। माना कि 50 किलो का कोई आदमी है तो 300 ml/घंटा 2 घंटे के लिए अपन चलाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद में अपन उसकी हिमाटोग्रिट को चेक करेंगे। अगर उसकी हिमाटोग्रिट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया, मतलब कि उसकी हिमाटोग्रिट कम हो गई है, उसकी पल्स प्रेशर बढ़ गई है, उसको यूरिन आउटपुट अच्छा आने लग गया है, उसकी जो जो पल्स रेट है वो भी कम हो गई है, इसका मतलब वो इम्प्रूवमेंट के साइन है। अगर 6 ml/kg बॉडी वेट 2 घंटे देने के बाद में उसके हर चीज में इम्प्रूवमेंट है, जिसमें एक इम्प्रूवमेंट अपन उसकी हिमाटोग्रिट में भी देखेंगे। तो इसलिए फ्लूड देने के बाद में जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है तो आपको एक तो उसकी बेसलाइन हिमाटोग्रिट करनी चाहिए, फिर IV फ्लूड दे के 2 घंटे 6 ml/kg पर आवर, माना कि 50 किलो का है या 60 किलो का है तो 300 से 360 ml/hr अपन 2-3 घंटे के लिए उसको देंगे, और फिर उस 2 घंटे के लिए देंगे और फिर उसको रीअसेस करेंगे। अगर इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट होता है तो अपन 6 ml/kg को 3 ml/kg पर आवर चला के देखेंगे 2-3 घंटे में, और अगर इसी तरह का इम्प्रूवमेंट होता है तो 3 से 1-2 ml/hr 24 घंटे के लिए अपन उसको चलाते हैं। लेकिन सपोज किया आपने इस पेशेंट को 6 ml/kg बॉडी वेट से अपने आपने उसको फ्लूड दिया 2 घंटे, लेकिन उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो अपन उसको हिमाटोग्रिट को भी देखते हैं। अगर हिमाटोग्रिट आपकी चेंज नहीं हुई, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हिमाटोग्रिट, तो आप उसकी जो डोज है IV फ्लूड की उसको बढ़ा देते हो, फिर आप 10 ml/kg पर आवर के हिसाब से 2 घंटे के लिए आप चला के देखते हो। अगर मान लो ये तो तब है जब हिमाटोग्रिट उसकी या तो सेम रही या उसकी हिमाटोग्रिट बढ़ गई, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ और उसकी हिमाटोग्रिट भी कम हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसको ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसलिए उसको कहीं अनरिवील्ड ब्लड लॉस कहीं पे तो नहीं है, उस चीज को अपने को असेस करना चाहिए। अगर 10 ml/kg पर आवर उन्होंने दिया जिसकी हिमाटोग्रिट के अंदर कोई चेंज नहीं आया था, और फिर अपन देखते हैं कि 2-3 घंटे बाद
2 घंटे बाद की अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाता है तो फिर अपन क्या करते हैं, उसकी जो जो आईवी फ्लूइड है उसको 10 ml की जगह 6 ml/kg पर आवर चला देते हैं 3 करने के लिए, फिर बाद में उसको 3 ml/kg पर आवर चला देते हैं 24 से 48 घंटे के लिए। इस तरह का अपना प्लान रहता है डेंगू हेमरेजिक ग्रेड 1 और 2। जो ग्रेड 3 और 4 है, ग्रेड 3 और 4 वो वाले पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ऑब्वियस ब्लड प्रेशर कम हो रखा है, जो जो कहीं जो शॉक की कंडीशन में है, उनको अपन 6 ml/kg/h की जगह से नहीं चला के उनको 10 to 20 ml/kg/h चलाते हैं। माना कि 50 किलो का है तो उसको 500 ml/h चलाएंगे 2 घंटे के लिए, मतलब 2 घंटे के अंदर उसको अपन 1 लीटर फ्लूड दे देंगे, फिर अपन चेक करेंगे ये फ्लूड देके कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो जो अपन जो फ्लूड दे रहे थे 10 to 20 ml/kg/h को, उसको अपन कम कर देंगे 10 ml/kg/h कर देंगे, या अगर अपन 10 ml/kg/h दे रहे थे तो अपन उसको 6 ml/kg/h देते हैं। इस तरह से अपन डेंगू हेमरेजिक फीवर के केसेस के अंदर फ्लूड मैनेजमेंट करते हैं। कुल मिला के शुरुआती फेज के अंदर अपन 6 से 20 ml/kg/h तक का अपन फ्लूड चला के देखते हैं और अपन इम्प्रूवमेंट को असेस करते हैं। इम्प्रूवमेंट असेस करने के वही हैं, हीमेटोक्रिट को देखते हैं, उसकी पल्स प्रेशर को देखते हैं, उसके हार्ट रेट को देखते हैं, पल्स रेट को देखते हैं, उसके यूरिन आउटपुट को देखते हैं और उसको खुद को कैसा लग रहा है इस चीज को अपन देखते हैं। डेंगू के जो ज्यादातर केसेस होते हैं उसमें जो मेन पार्ट है मैनेजमेंट का वो फ्लूइड मैनेजमेंट ही है, बाकी एंटीबायोटिक्स और इन सब चीजों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्लेटलेट्स भी जितने अपन इन मरीजों को इतनी दे रहे हैं वो इतनी नहीं दी जाती है। अगर किसी की प्लेटलेट 10,000 से कम होती है, ये सब भारत सरकार की ऑथेंटिक गाइडलाइंस है, उनको बार बार बताया जाता है, जब प्लेटलेट 10,000 से कम होती है तभी अपने को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अगर ब्लीडिंग हो रही है उसके साथ में अपने को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर किसी को ब्लीडिंग नहीं हो रही तो 10,000 तक प्लेटलेट देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो नाउ आई लीव दिस सेशन ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप लोग प्लीज सवाल पूछिए ताकि अपन लोग इंटरेक्टिव होके और अच्छे से चीज को समझ सकें। ये जो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसको मैंने आप सबके वेबसाइट आपके ग्रुप्स पे डाल दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप जब भी कोई डेंगू का केस आता है आपके पास तो आप अपने जो कंसल्टेंट हैं या जो आपके वहाँ के नर्सिंग स्टाफ हैं उन लोगों को बताइएगा कि अपन फ्लूइड मैनेजमेंट इस तरह से करें। लेकिन इस फ्लूइड मैनेजमेंट को करने से पहले आपको जो डेंगू का केस है उसको प्रॉपर क्लासीफाई करना जरूरी है। अगर आपने उसको क्लासीफाई नहीं किया और आप केवल डेंगू NS1 पॉजिटिव है यही करते रहोगे तो फिर उसके बाद अपन कोई डिसाइड नहीं कर सकते उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है। थैंक यू। ओके, आप लोग कोई सवाल नहीं पूछते यार, अच्छी बात नहीं है, पूछना चाहिए कोई सवाल।